हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो भी माइंडसेट की साइंस है, पर्सनल डेवलपमेंट की साइंस है, ग्रोथ की, सक्सेस की, जहाँ भी बात होती है एक टॉपिक हर जगह आता है, जो कि है सबकॉन्शियस माइंड। जितनी भी हीलिंग होती है, जितनी भी ट्रेनिंग होती है, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो भी बड़े प्रॉमिस होते हैं, वो सारे हमारे सबकॉन्शियस माइंड को लेके होते हैं। और बहुत से लोगों को सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बहुत थोड़ी सी नॉलेज है, बस ये पता है कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड, वही गाना चलता रहता है। सो आज हम लोग एक क्वेश्चन को डिकोड करेंगे कि क्या वाकई में सबकॉन्शियस माइंड को कम्प्लीटली मास्टर किया जा सकता है। इसका आंसर है बिग नो। क्यों नहीं किया जा सकता, आज हम लोग इसी को डिटेल में समझेंगे। मैं विवेक राठौर, न्यूरोसाइकोलॉजी एक्सपर्ट एंड ऑथर। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड को कम्प्लीटली मास्टर क्यों नहीं कर सकते, उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि हमारे माइंड के कितने लेयर्स होते हैं। हमारे माइंड के 7 लेयर्स होते हैं। हम लोग कुछ लेयर्स को अभी समझेंगे। एक हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, जिसके बारे में हम लोग काफ़ी जानते हैं। कॉन्शियसली हम लोग जो भी माइंड यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉन्शियस माइंड। उसके ठीक नीचे हमारे माइंड का एक लेयर होता है, जिसको बोलते हैं अनकॉन्शियस माइंड। हमारे जितने भी थिंकिंग पैटर्न होते हैं, हैबिट्स होते हैं, बिहेवियर होते हैं, वो सारे इसी लेयर में होते हैं। किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको गुस्सा आ जाना, ये आपके अनकॉन्शियस पैटर्न है। किस सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करोगे, ये सब हमारे अनकॉन्शियस में होता है। ये सब पर्सन टू पर्सन, सबका जो अनकॉन्शियस माइंड है, वो हम लोग की एक तरीके से पर्सनल प्रॉपर्टी होती है। अनकॉन्शियस माइंड के ठीक नीचे एक माइंड का लेयर होता है, जिसको बोलते हैं कलेक्टेड अनकॉन्शियस माइंड। ये सारे ह्यूमंस में कॉमन होता है। इसी वजह से आपकी लाइफ में कोई पर्सन आता है, आप उसकी इंटेंशन को रीड कर लेते हो। जो मास्टर्स होते हैं, आप उनके सामने जाओ, आप क्या सोच रहे हो उनको पता चल जाता है। क्यों पता चल जाता है, क्योंकि आपके अनकॉन्शियस में जो है वो आपके अनकॉन्शियस को टैप करते हैं। वो आप क्या सोच रहे हो उसको वो रीड कर लेते हैं। तो हम लोग केवल अपने अनकॉन्शियस माइंड को मास्टर कर सकते हैं। जो कलेक्टेड अनकॉन्शियस है, उसको हम लोग मास्टर नहीं कर सकते हैं। उसके नीचे भी एक लेयर है, जिसको बोलते हैं कॉस्मिक अनकॉन्शियस। इस लेयर पे हम लोग अपना ब्रेन, अपना माइंड यूनिवर्स के साथ शेयर करते हैं। सो दिस इज़ द रीज़न कि हम लोग क्यों अपने सबकॉन्शियस को मास्टर नहीं कर सकते हैं कम्प्लीटली। हम लोग केवल अपने अनकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं और मास्टर कर सकते हैं। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि आप केवल अपने अनकॉन्शियस को अगर आप मास्टर कर लें, कंट्रोल कर लें, तो बाकी चीज़ों को आपको कंट्रोल या मास्टर करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। वो चीज़ें ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाती हैं, वो आपको एम्पावर करती हैं, और आपकी जो भी मेजर विशेज़ हैं उसको मैनिफेस्ट करने में वो हेल्प करती हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि अपने अनकॉन्शियस माइंड को मास्टर कैसे करें। तो अगर आप अपने अनकॉन्शियस माइंड को मास्टर करना चाहते हैं, तो आपको 3 फैक्टर्स पे वर्क करना पड़ेगा। आपको अपने बिलीफ सिस्टम पे वर्क करना होगा, आपको अपने हैबिट्स पे वर्क करना होगा, और आपको अपने थिंकिंग पैटर्न्स पे वर्क करना होगा। अपने बिलीफ को चेंज करके, अपने थिंकिंग पैटर्न को चेंज करके, अपने हैबिट्स को अगर आप चेंज कर लेते हैं, तो ये 3 फैक्टर्स होते हैं जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में होते हैं। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि बिलीफ को कैसे चेंज करें। इसके लिए हमें समझना होगा कि हमारे बिलीफ बनते कैसे हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे जब भी हम कोई चीज़ सीख रहे होते हैं, हम लोग नए बिलीफ हम लोग सीख रहे होते हैं। हम लोग जो भी एक्शन कर रहे होते हैं, हर दिन हम लोग नए बिलीफ बना रहे होते हैं। तो अगर हम लोग अपनी लाइफ में जो भी सोर्स ऑफ लर्निंग है, जो भी मास्टर्स हैं, जो भी मेंटर्स हैं, अगर हम लोग उनसे कनेक्ट करते हैं, उनकी टीचिंग सीखते हैं, तो हमारे ब्रेन में नए बिलीफ बन रहे होते हैं। और भी कई टेक्निक्स हैं सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग की, वो सारी भी हमारे बिलीफ को इंड्यूस करने में हेल्प करती हैं। हम बात कर रहे थे कि अपने अनकॉन्शियस माइंड को हम लोग कैसे कंट्रोल करें। मैंने आपको शेयर किया कि अगर हम लोग अपने बिलीफ को कंट्रोल करना शुरू कर दें, अपने बिलीफ को चेंज करना शुरू कर दें, अपने हैबिचुअल थिंकिंग को चेंज करना शुरू कर दें, अपने हैबिट्स को चेंज करना शुरू कर दें, तो यही 3 चीज़ें हमारे अनकॉन्शियस में होती हैं, और यही 3 चीज़ें हमारे बिहेवियर को, थॉट्स को, हर चीज़ों को ड्राइव करती हैं। तो हम लोग जितना भी हम लोग बुक से पढ़ते हैं, कोई ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, अपनी पर्सनालिटी पे जो वर्क करते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे बिलीफ को, हमारे थिंकिंग पैटर्न को और हमारे हैबिट्स को चेंज करते हैं। तो दिस इज़ ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये जो कि लाइफ टाइम चलता रहता है। सो हम लोग जितने भी, चाहे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिसेस हैं, चाहे वो थॉट राइटिंग है, पॉजिटिव थिंकिंग लिखना, ये सारी चीज़ें हमारे बिलीफ को इम्पैक्ट करती हैं। सो इस तरीके से आप अपने बिलीफ को, अपने हैबिट्स को, अपने पैटर्न्स को आप चेंज कर सकते हैं।
आपने वीडियो को यहाँ तक देखा उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप इसको शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपना जो भी जिस भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं आप कमेंट कीजिए। बहुत बहुत थैंक यू।